अस्सलाम वालेकुम तमाम सब्सक्राइबर व्यूअर को मिस्टर निजाम ऑलपेट चैनल की तरफ से सलाम भाई। मैं जब भी कहता हूँ कुछ अच्छी चीज़ मेरे यहाँ से जाती है तो मैं वीडियो शो करता हूँ आपको। तो माशाल्लाह देखिए, आज मैं अकरम डेयरी फार्म उमर भाई के चैनल पे एक बकरी डाला था जो बंद थनों की है और खाली है, बल्कि डाला था तो एक काबिल साहब ले जा रहे हैं, तो चीज़ अच्छी है इसलिए आप लोगों को शो कर रहा हूँ। देखिए क्वालिटी होती है जो हैदराबादी में होती है। ये देखिए काना वगैरह का देखिए साइज़ देखिए आप, माशाल्लाह मोटापन वगैरह, बहुत ब्रीड लाइन से बकरी थी भाई ये। तो जो फैक्ट होता है मैं मेरे चैनल पे शो करता हूँ या फिर किसी भी चैनल पे मैं डालता हूँ, तो भाई ये देखिए स्ट्रक्चर वगैरह देखिए आप बकरी का, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है। कान वगैरह देखिए, अगर वेट के हिसाब से भी देखें तो काफ़ी वेट में है भाई। और कान खास तौर पे बोलूँगा भाई, ये देखिए कान, शायद कोई चैनल पे देखे नहीं देखे पता नहीं, ये देखिए कान देखिए आप, खुले कान थे बिल्कुल। और बिल्कुल मैं बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे डाला था भाई, 24,000 रुपये में, जो भाई उनटू हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काबिल आदमी ले जा रहे हैं भाई। खुशी इस बात की है मेरे को, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो काफ़ी चीज़ें आती है लेकिन कोई उसके कदरदान रहे ले गए तो मेरे को भी ज़्यादा खुशी होती है भाई। ये मेरे फॉर्म से गई, इसी तरह की बकरी मैं एक महीना पहले भी बेचा था, वो भी काफ़ी अच्छी ब्रीड लाइन की थी, वो भी काफ़ी अच्छी जगह गई भाई। तो चंद वीडियोस जब मौका होता है जाते हैं तो मैं डालता हूँ। तो ये बकरी भी देखिए आप, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, ये आँख देखिए पूरे वाइट है बिल्कुल, कान वगैरह देखिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुनैद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुनैद भाई। जी उमर भाई खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद भाई जी। तो आप फॉलो करते बोलिए हमारे को। अरे हर वीडियो फॉलो करते जुनैद भाई का। चलिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया, लिया आप लोगों की मोहब्बत है जो चैनल हमारा चल रहा है भाई, मसरूफ़ रहते पर भी आप लोगों के बीच रहते, ये आप लोगों की मोहब्बत है। काफ़ी लोगों की जो फ़ोन करते एक आध दिन वीडियो नहीं आया या कम आए तो वीडियोस, तो ये मोहब्बत है जो मैं चैनल भी चलाता हूँ भाई। तो हमारे उमर भाई कैसी दिखी? माशाल्लाह जुनैद भाई जी। भाई उमर भाई की भी बात करूंगा, जब फोन आया तो एक ही बात पे एक ही मिनट में भाई खत्म कर दिए, पैसे डाल दिए, तो ये काबिल आदमी की पहचान है। तो मैं उमर भाई की काबिलियत भी देखा, काफ़ी देर से मेरे साथ है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जानवर है भाई का ने, जो एक चीज़ अच्छी देखने को मिलती है वो सारे चीज़ें भाई के ने देखने को मिले भाई, बहुत खुशी हुई मेरे को। और ये काबिलियत होती देखिए, कई चीज़ें आपके सामने आते हैं बास खुद पे आप सोचने में रह जाते, तो कभी अगर आप ले रहे हैं तो ये सोचिए कि थोड़ा बहुत नुकसान फ़ायदा नहीं सोचना। अगर आप किसी भी चैनल पे देखते हैं अगर आपके दिल को लगती है तो 1-2 कर लेना भाई, उसमें अगर लॉस भी हो रहा तो फिर आप लोग पीछे नहीं हटना, क्यों ये चीज़ें बस अच्छी रहती है अगर आपकी नज़र बोलती है तो ले लेना। तो ये देखिए बिल्कुल बहुत बेहतरीन चीज़ थी ये, अगर इंशाल्लाह ये बच्चे देगी तो मैं समझता हूँ, क्या उमर भाई आपकी नॉलेज क्या बोलती है, अगर इंशाल्लाह ये बच्चे देंगे तो कैसे रहेंगे? माशाल्लाह गुलाबी बच्चे रहेंगे इंशाल्लाह, जुनैद भाई के साथ एक बार वीडियो लेंगे इसके बच्चों के साथ इंशाल्लाह, अल्लाह मौका दिया तो बराबर। आपको भी मुबारक करे भाई, आप ले जा रहे हैं। तो लेकिन ये ब्रीड कैसी रहेंगी उमर भाई आपकी नॉलेज से, ब्रीड कौन सी? पुरानी लाइन की ब्रीड है। पुरानी लाइन की ब्रीड है, तो जो कान वगैरह जो मोटापन है हर बकरी में नहीं आता नहीं आता नहीं आता जुनैद भाई जी। जो थिकनेस है देखिए आप, कान की क्वालिटी देखो आप जी, ये रेट में ये बकरी मिलना नामुमकिन बात है। वो मेरे को भी मालूम था, मैं सुबह वीडियो में बात बोला उमर भाई, तो मेरी ये ख्वाहिश है, मैं कोई चीज़ रखता नहीं कि मेरे थ्रू किसी को जाना बोले तो अच्छी चीज़ है ये। तो उमर भाई थोड़े आपकी आपकी भी नॉलेज काफ़ी देखा मैं आपके टाइम, काफ़ी टाइम आपके साथ बैठा, तो आप ये बोलिए अगर हैदराबाद में कोई नए देख रहे हैं तो उन लोग क्या देखना, मेन क्या देखना साहब? बकरी देखना जी, नहीं मतलब स्ट्रक्चर देखना कैसा है, बकरी का फेस देखे तो मालूम चल जाता। अच्छा नॉलेज है तो। अच्छा तो थिकनेस जो होता किस तरह का थिकनेस होना चाहिए, जरा हाथ लगा के बता दो। कान में जो ये मोटापन है माशाल्लाह, कान की ठहराव अच्छी है जी, कंडीशन अच्छा है, चेहरा देखो आप पुराना चेहरा है। तो कान जो खुले कान बोलते हैं जड़ से खुले, तो वो एक थोड़ा बता दो। ये देखो साहब जड़ से खुले कान, जड़ से खुले मतलब जहाँ से शुरू हो रहे हैं वहाँ कान चौड़ापन रहना बराबर बेशक। चलिए भाई ये जो नए हैं उनके लिए बेहतर रहेगा, और जो एक पैरों की भी पहचान होती है उम्र भाई जरा बोलिए ना, पैरों का जो मोटापन भी एक मायने रखता ना, ये देखा जाता असल जी पैरों का, ये जितना मोटी नली रहेंगी उतनी ब्रीड बहुत अच्छी रहेंगी जी। पीछे के पैर मायने नहीं रखते, जो पीछे के पैर बैठ जाते बकरी एज होने की तरफ से, तो तामचीनी जो बोलते मोटी लैंग्वेज में, जो जानवरों के लैंग्वेज में तामचीनी बोलते हैं, जो बैठ गए तामचीनियां पीछे के एज होने के बाद तो थोड़ा झुकते, वो तो देखा मैं,
लेकिन अगर अच्छी डाइट मेंटेन करे तो भी बच्चे। तो एक बकरी मतलब लोग आठ दांत होते लोग बोलते बच्चे नहीं देती, आप क्या बोलते? आठ दांत के बाद तो असल बच्चे बनाती बकरी, चार दांत में तो बच्चे नहीं बनाती बकरी। आठ दांत के बाद से कम अगर आपकी डाइट अच्छी रही तो 12 साल तक बच्चे बनाती ना। माशाल्लाह, मैं आपके वीडियो देखा, आपके फार्म के देखा, पूरे आपके आठ दांत की बकरियां उससे आगे की भी बकरियां, और लेकिन जो बच्चे है वो बहुत अनमोल बच्चे है, इसीलिए आपसे ये एडवाइस लिया। मैं भी कई लोगों को बोलता हूँ भाई कि अगर आपकी डाइट अच्छी रही तो आप जानवर को काफी टाइम तक बच्चे ले सकते हैं। और बकरे में कैसा रहता है उमर भाई, बकरे के अभी क्या एज में लेना चाहिए बच्चे? बकरा 6 दांत के बाद सही बच्चे बनाता। 2 दांत 4 दांत जो लोग आजकल बोल रहे हैं, 2 दांत होना बच्चा, 4 दांत होना गुलाबी होना, असल निकले नासियों से गुलाबियां जी माशाल्लाह। तो गुलाबियां ये गुलाबियां पकड़ लेके नासियों को छोड़ दे रहे। तो आपने मैं मेरी नॉलेज भी ये है उमर भाई, अभी चल रहा ट्रेंड सब एक एक चलता, कपड़े का जैसा फैशन चलता उसी तरह आता है, लेकिन मैं जब बोलूंगा जो इसका ने नासियां अच्छे और रोग कभी भी बैक आएगा तो उमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका फॉर्म का वीडियो देखा मैं, माशाल्लाह काफी प्यारे बच्चे आपने, और जो बकरियां भी है पूरी ब्रीड लाइन के है भाई। एक बकरा उमर भाई, एक बकरा भी बोलो ना, जो बकरा मैं आपको बहुत पहले उमर भाई एक चैनल पे दलाए थे मेरे, एक 8 महीने पहले बकरा डाला था भाई, जो येलो आइज में था, लेकिन मैं जब वो वीडियो में भी बोला था जो लेंगे फायदेमंद रहेगा, तो उमर भाई किसी को भेज के मंगाए थे वो बकरा, तो अब उसका कैसा रिजल्ट है उमर भाई? माशाल्लाह रिजल्ट है भाई, अब तक नहीं बोले तो 7-8 बच्चे गिर गए, पूरे लाख के ऊपर के बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ये उमर भाई आपको याद होगा मैं बोला था वो वीडियो में जो बकरा लेंगे बहुत फायदेमंद रहेंगे, तो वो बकरे के कान कितने हैं उमर भाई? 20-8 है कान। 20-8 कान थे भाई, सिर्फ उसके जो आंख थे वो पीले थे, वो पीले आंख से मतलब नहीं है जुनैद भाई, समझे वाइट आंख के बच्चे गिरा, अब तक एक भी आंख पीले नहीं आए बच्चे के। माशाल्लाह, तो बहुत बहुत प्यारे बच्चे बताए भाई उसी के है, ये तो एक खुशी होती। मेरे फार्म से गया था बकरा वो, और मैं वो वीडियो में बोला था जो भी लेंगे फायदेमंद रहेंगे, तो भाई आज एक्सीडेंटली बात करे आपके से एक बकरा आया मेरे पास, तो उसके रिजल्ट बताए तो बहुत खुशी हुई। तो भाई की नॉलेज भी काफ़ी है भाई, मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, लेकिन उमर भाई अभी उम्र कम है, लेकिन तो उमर भाई ये कब से है शौक आपका? मेरा है कि 12 साल से है। 12 साल मतलब कब स्कूल में थे वो रहे? स्कूल में थे जी माशाल्लाह। तो चलिए भाई लंबी हो गई वीडियो, जो देख रहे हैं एक बेसिक नॉलेज के लिए बनाया था मैं, हमारे उमर भाई से भी मिलके आज बड़ी खुशी हुई। इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह मालूम करना है, तो इंशाल्लाह इसी तरह हैदराबाद बने रहिए चैनल से। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचा, चलिए इंशाल्लाह दुआओं की दरख्वास्त भाई, चलिए अल्लाह हाफिज़ उमर भाई। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।